महंगाई के सताए किसान महंगे ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। दो बड़ी कंपनियां मिल्लत और अलकासी ने मैसी फ्रॉक्सन और फी ट्रैक्टर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 19 मार्च से होगा। हमें रिपोर्ट करेंगे आसिम सदीक। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सके, मिल्लत ट्रैक्टर्स ने मैसी फर्ग्यूसन के तमाम मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैसी 240 की कीमत में 7,650 रुपए, जबकि मैसी 350 की कीमत में 42,000 रुपए का इजाफा हो गया। मैसी 260 की कीमत में 29,400 रुपए, मैसी 360 की कीमत 31,300 रुपए, जबकि मैसी 375 की कीमत 38,500 रुपए बढ़ गयी। मैसी 385 की कीमत में 42,000 रुपए, मैसी 364 व्हील की कीमत में 47,250 रुपए इजाफा हो गया, जबकि मैसी 375 और मैसी 385 फोर व्हील की कीमतों में 52,500 रुपए का इजाफा हुआ है। डीलरों का कहना है कि कंपनियों के अरबों रुपए जीएसटी की मद में वापसी के अदा नहीं हुए, जबकि रॉ मटेरियल भी महंगा हुआ है। मुख्तलिफ जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं, इनकी मटेरियल कॉस्ट जो है वेंडर्स की तरफ से वो काफ़ी बढ़ गई है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, और टैक्सेस जो हैं हमारी कंपनी ट्रैक्टर पूरी जो सनत है इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं असेंबलर्स हैं इनका तकरीबन जी 7 से 8 अरब रुपया जीएसटी जो रिफंड है वो पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ड्यू है। अल्गानी ट्रैक्टर्स के फेट 480 की कीमत में 28,350 रुपए, फेट 480 पावर की कीमत में 27,825 रुपए इजाफा हो गया, जबकि एनएच गाजी की कीमत में 29,400 रुपए, फेट 640 की कीमत में 38,940 रुपए बढ़ गई, दबंग 85 की कीमत में 42,000 रुपए और 7056 फोर व्हील की कीमत में 52,500 रुपए का इजाफा हुआ है। इन फेट 480 और पावर प्लस की नई कीमतों का इतलाक 26 मार्च, एनएच गाजी की कीमत का 6 अप्रैल, फेट 640, दबंग 85 और 7056 फोर की नई कीमतों का इतलाक 13 अप्रैल से होगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीम यार खान।